सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दूं कि जो श्री राधा रानी हैं, वही भगवान कृष्ण की पत्नी है। राधा रानी जो हैं, वो भगवान की पत्नी है। रियल पत्नी तो श्री राधा रानी ही है। फिर आप कहेंगे रुक्मणी जी कौन है, तो आपको राम कथा सुनानी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, तब आप समझेंगे। जब भगवान श्री राम एक दिन लक्ष्मण जी लकड़ी लेने जंगल गए, तब राम और सीता बैठे, तो राम जी ने सीता से कहा, सीता एक काम करो कि हमें कुछ लीला करनी है तो आप जरा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो सीता माता जो ओरिजिनल सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर वहां एक माया की सीता, छाया सीता प्रकट हो गई, नकली सीता, मतलब छाया रूप में, जिसे रावण चुराया, जिन सीता को रावण चुराया वो असली सीता नहीं थी, असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी। इसलिए जब राम जी ने रावण को मारा तो सीता को अग्नि में, लोग कहते हैं सीता की अग्नि परीक्षा ली, राम ने अग्नि परीक्षा नहीं ली, सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, तो अग्नि से वापसी ले रहे थे। तो जो रावण ने सीता को चुराया, जो राम जी ने माया की सीता बनाई और 14 साल कुछ महीने लंका में रही, जब राम जी ने उन सीता से कहा कि अब आप इतनी ही लीला करने आई थी, अब असली सीता वापस आएंगी और आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तब वो माया की बनी सीता बोली राम जी से, हे नाथ, जब आपकी नकली पत्नी बनने में मुझे इतना सुख मिला तो एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी बनना चाहूंगी। उन्हीं माया को भगवान श्री राम ने द्वापर युग में रुक्मणी जी के रूप में भेजा। वही माता सीता रुक्मणी बनी और जो रियल सीता थी वो राधा है और जो माया की सीता है वो रुक्मणी है। तो जो रियल में भगवान की पत्नी है वो तो श्री राधा ही है। ये शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं। भगवान कृष्ण और राधा, राधा महालक्ष्मी है और रुक्मणी जी लक्ष्मी।